गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बेटा हम लोग आज रैदास पढ़ने जा रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी नोटबुक्स अभी नहीं भेजी हैं, रिक्वेस्ट कि अपनी नोटबुक्स चेकिंग के लिए भेज दीजिए। एज योर सिलेबस इज डन, सब काम हो चुका है, अपनी नोटबुक्स चेकिंग के लिए भेजिए। दूसरी बात, जो लोग अभी भी टेस्ट में अपियर नहीं हो रहे हैं, प्लीज टेस्ट में अपियर हो, ताकि आपको भी पता चले कि आज भेज दिया बेटा मैंने वापस, चेक करना जाकर। ठीक है, जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं प्लीज टेस्ट में अपीयर हो, ताकि हमें पता चल सके कि हमें कितना आता है और नहीं आता है। जब आप स्कूल में हैं तब तो टेस्ट देते ही हैं, घर में भी रहते हुए टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और भेजिए। ओके, जितना मैंने काम करवाया सारा पता है ना, क्या क्या टॉपिक्स हुए हैं सारा। ठीक है, कुछ आप भेज भी चुके हैं, कुछ रहता है वो भेजिए। ठीक है, रैदास। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 और देहावसान सन 1518 में बनारस में ही हुआ। बनारस में ही जन्म हुआ, बनारस में ही देहावसान हुआ ऐसा माना जाता है। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं, संत माने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास ना था। आपको अगर याद हो मैंने बताया था भक्ति काल, याद है? भक्ति काल में निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, एक थी निर्गुण काव्य धारा, एक थी सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में सारे संत आते हैं, जैसे रविदास जी और कबीर जी। ठीक है, ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, ये कहते थे ईश्वर एक है, हमें हमारे अंदर भक्ति भाव होना चाहिए, लेकिन मूर्ति पूजा को ये दिखावा और आडंबर मानते थे, जिनमें रविदास जी भी एक है। सगुण काव्य धारा में जैसे तुलसीदास जी, मीराबाई, जिन्होंने प्रभु के साकार रूप का वर्णन किया है, मीरा ने कृष्ण का वर्णन किया है, तुलसीदास ने राम का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये जो रविदास जी हैं, इन्होंने मूर्ति पूजा जैसे दिखावों को नहीं माना, तीर्थ यात्रा में भी विश्वास नहीं रखते थे। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। वो हमेशा ये कहते थे कि मनुष्य के भीतर अच्छे गुण होने चाहिए, दिखावे से दूर होकर हमें सद्गुणों को अपनाना चाहिए। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यावहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रैदास की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा जिसमें अवधी, राजस्थानी खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। उपमा अलंकार होता है जिसमें कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है, और रूपक अलंकार होता है जिसमें किसी के जैसा बताया जाता है। जैसे हमने इनका किया था, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, है ना, जिसमें उन्होंने बताया प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम घन हम मोरा। ठीक है, उसके जैसा बताया है, रूपक जिसके जैसा बताया जाए। सीधे सादे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई के साथ प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी
सब मिलित हैं। जैसे हमने पिछली बार कबीर जी के लिए पढ़ा था कि कबीर जी के जो पद हैं दोहे हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हैं, रविदास जी के भी पद उसमें शामिल हैं। यहाँ रविदास के दो पद लिए गए हैं। पहले पद, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में, कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है ना, उपमा अलंकार हो गया ना, तुलना की है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है। वो कहते हैं मेरे प्रभु मेरे मन में, किसी मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद में नहीं है बल्कि मेरे भीतर है, मन में है। यही नहीं, वह हर साल हर हाल में हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। रविदास जी कहते हैं कि उनके प्रभु उनसे श्रेष्ठ है और सर्वगुण संपन्न है, ईश्वर में सभी गुण मौजूद हैं। इसीलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। समदर्शी, समदर्शी मतलब सबको समान दृष्टि से देखने वाला। हमने इसमें पढ़ा था अगर याद हो कि प्रभु ऊंच नीच में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, सबको समान भाव से देखते हैं। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथा कथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान दिलाया है। रैदास जी कहते हैं कि प्रभु किसी में भी भेदभाव नहीं करते, जो कोई उनका भक्त है चाहे वह उच्च कोटि का है चाहे निम्न कोटि का है, समान भाव से सबको अपनाते हैं। ओके, शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों ने वर्ड मीनिंग्स नोट नहीं किए हुए हैं पेंसिल ले लीजिए और नोट करते जाइए। ओके, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कोई बताएगा मुझे क्या है इसमें? ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेज योर हैंड्स, कौन बताएगा कि इसमें रैदास जी ने क्या बताया है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेज योर हैंड्स। नो वन, सब गायब। हाँ जी वाह, सुगंधित कर देता है। जैसे चकोर चांद के बिना नहीं रह सकता, उसी तरह हम आपके बिना नहीं रह सकते प्रभु जी। चकोर एक पक्षी है जो रात के समय चांद की प्रतीक्षा करता है कि कब चांद निकलेगा और मैं उसके दर्शन करूंगा। चितवत निहारना, मैं अभी करवाती हूँ डिस्कस, बस पूछ रहे हैं एक बार किसी को याद है या नहीं। गुरजाप आगे बताइए। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, बोलो जैसे बैठिए।
अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। इस पद में रैदास जी बता रहे हैं कि उन्हें प्रभु के नाम की रट लग गई है, वे अपने प्रभु के दास बन चुके हैं और ये ऐसी रट लगी है जो कभी भी छूटेगी नहीं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। कहते हैं कि मैं अपने प्रभु के रंग में रंग चुका हूँ, मुझे उनके नाम की रट लग चुकी है। जैसे रंग चढ़ जाता है और कभी उतरता नहीं है, उसी तरह भगवान के नाम का रंग मुझ पर चढ़ चुका है जो कभी नहीं उतरेगा, और ये ऐसी रट है जिसे मैं कभी भी छोड़ नहीं सकता। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। चंदन सुगंधित लकड़ी है, चंदन का वृक्ष है, जिसे पानी में डाल दें वह पानी में अपनी सुगंध छोड़ देता है। क्या पानी में से उस सुगंध को कभी अलग किया जा सकता है? चंदन को एक बार पानी में डाल दिया तो क्या पानी में से उस सुगंध को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। कहते हैं प्रभु जी आप चंदन और हम वह पानी है जिसमें चंदन की सुगंध घुल चुकी है। अब उस सुगंध को पानी में से अलग नहीं किया जा सकता, हमें आपसे अलग नहीं किया जा सकता। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हम पानी हैं, आप चंदन हैं, और जिस प्रकार से चंदन की खुशबू पानी की एक-एक बूंद में समा जाती है, जाकी अंग अंग बास समानी। बास मतलब सुगंध खुशबू। कहते हैं जिस प्रकार से चंदन की खुशबू पानी की एक-एक बूंद में समा जाती है, उसी प्रकार से आपकी सुगंध मेरे अंग अंग में समा चुकी है, जिसे अब अलग नहीं किया जा सकता। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम घन बन, घने जंगल, तुम बरसात हो, बारिश होती है, और मैं मोर हूं, मैं नाचने लगता हूं तुम्हारे दर्शनों के लिए। मैं हमेशा तैयार रहता हूं, मुझे तुम्हारे दर्शन की हमेशा चाह होती है। तुम घने बादल हो और मैं मोर हूं, जैसे चितवत चंद चकोरा। चितवत मतलब निहारना, जैसे रात के समय चकोर चांद को निहारने के लिए उत्सुक रहता है, उसे निहारता रहता है, इसी तरह से मैं भी हर समय आपके दर्शन करता रहना चाहता हूं। कोई एक समय नहीं है कि दिन के समय भगवान की भक्ति करनी है, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि मैं हमेशा आपके दर्शन करता रहना चाहता हूं, जैसे चकोर बिना पलक झपके चांद को देखता है, निहारता है, इसी तरह मैं भी आपके दर्शन बिना पलक झपके करना चाहता हूं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हे प्रभु आप दीपक हैं और हम बाती हैं। बाती रुई की बाती होती है ना। कहते हैं आप दीपक हैं और हम बाती। जो दीपक है वो बाती को रोशनी देता है। दीपक है तो बत्ती जलेगी ना, है ना, उसी से उसकी रोशनी होगी। कहते हैं प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जाकी ज्योति बरे दिन राती। जाकी मतलब जिसकी, ज्योति ज्योति या रोशनी, बरे बरे मतलब बढ़ती है या जलती है। बढ़ती है प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी आप
दीपक हैं और हम ज्योति हैं, जो दिन रात रोशनी देता है। आप ऐसा दीपक है जो दिन रात रोशनी देता है। इसी प्रकार आप भी हमें दिन रात रोशन करते हैं, हमें आगे ही आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। समझ में आ रहा है योग? पक्का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? नो? ओके। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। मोती का मूल्य ज्यादा होता है ना, मोती का अपना मूल्य है, मोती का अपना मूल्य है या नहीं? हाँ या ना? धागे का अपना कोई मोल है? मोती के बिना धागे का कोई मोल है? नहीं है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। तो प्रभु जी आप मोती हैं, मूल्यवान हैं, और हम धागा हैं, हमारी कोई अपनी अहमियत नहीं है। जिस प्रकार से मोती के मिलने पर धागे का मूल्य बढ़ जाता है, इसी प्रकार से जब आप अपने भक्त से मिलते हैं तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। आप मोती हैं और हम धागा हैं। जैसे सोने ही मिले तो सुहागा। सोने ही मतलब सोना, कहते सोने पर सुहागा होना है ना। जब सोने पर सुहागा लगाया जाता है तो उसकी चमक और ज्यादा बढ़ जाती है। कहते हम सोना है, आप सुहागा है। सुहागा बेटा एक वाइट कलर का पाउडर टाइप होता है, उसकी जैसे डली सी भी जिसको कह सकते हैं, थोड़ा बना हुआ होता है, वैसे भी एक पाउडर टाइप होता है। जब उसको लगाते हैं उस पे, सोने पे, तो उसकी चमक और ज्यादा उभर जाती है। ठीक है, कहते हैं आप हम सोना है, आप सुहागा हैं। जब सोने पर सुहागा चढ़ाया जाता है, सोने पर सुहागे को लगाया जाता है, तो उसकी चमक और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी प्रकार से जब आपसे मिलन होता है तो हमारी कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। दासा मतलब दास, आप स्वामी हैं और हम दास हैं। हमारा अपना कोई मूल्य नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है आपके बिना। आप स्वामी हैं, ईश्वर हैं, प्रभु हैं, और हम आपके सेवक हैं, हम आपके दास हैं। ऐसी भक्ति करे रहे दासा। कहते हैं कि मेरे दास हमेशा ऐसी भक्ति ही करता रहूं, आप मेरे स्वामी बने रहे, मैं आपका दास बना रहूं। आप चंदन बने रहे, मैं पानी बना रहूं। आप मोती बने रहे, मैं धागा बना रहूं। आप चांद बने रहे, मैं चकोर बना रहूं। इस तरह से उन्होंने दास्य भाव को प्रकट किया है। रैदास जी ने दास्य भाव को प्रकट किया है, वे अपने प्रभु के दास बने रहना चाहते हैं। कोई डाउट? पहले पद में किसी को कोई डाउट हो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, उन्होंने वही है जैसे उन्होंने बताया कि मैं इस रूप में हूं, आप उस रूप में हैं। ये जब हम डिटेल में करेंगे ना तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एनी अदर डाउट? नो? चले आगे। ओके। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजों को सैया मेरा माथे छत्र धरे। जाकी छोती जगत को लागे, ता पर ही तू ही डरे। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू तेना डरे। नाम देव कबीर तिलोचन सधना सैनु तरे, कही रविदास सुनोरे संतु हरि जियो ते सभे सरे। कौन बताएगा? क्या बताया इसमें रविदास जी ने? बताओगे वत्सल? नहीं। कौन बताएगा? ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवास गुसैया मेरा माथे छत्र धरे। जाकी छोती जगत को लागे, ता पर ही तू ही डरे। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू तेना डरे।
नाम देव कबीर तिलोचन सधना सैनो तरह कह रविदास सुनहु रे संतो हरि जियो ते सभे सरह। तो कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कोई हर्षप्रीत ट्राई करोगे बताओ? कृपा नहीं, कृपा पंजाबी में कृपा, हिंदी में कृपा। हरि जियो ते सभे सरे। ओके गुड, वेरी गुड। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, स्वामी लाल स्वामी, ऐसी ऐसी दया तुझ बिन, तुम्हारे बिना कौन करे, कौन करे। इसमें रैदास जी ने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया, उनके दयालु स्वरूप का वर्णन किया है कि किस प्रकार से ईश्वर सबको समान मानते हैं, समदर्शी हैं, समान दृष्टि रखते हैं। कहते हैं हे मेरे स्वामी, जैसी दया आप करते हैं ऐसी दया तो कोई कर ही नहीं सकता। गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्र धर। गरीब निवाजू, गरीब निवाजू, गरीब दीन दुखियों पर निवाजू दया करने वाला गुसैया, गुसाई स्वामी। कहते हैं आप मेरे ऐसे स्वामी हैं जो गरीबों पर दीन दुखियों पर दया करते हैं, दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। मेरा माता है छत्र धरा, आपने मुझ गरीब के माथे पर छत्र रखा है, मेरे सिर पर आपने दया का हाथ रखा है। मुझे लोग नीची जाति का मानते हैं लेकिन आपने कोई भेदभाव नहीं किया, आपने मेरा कल्याण किया और मुझे नीचे से ऊंचा कर दिया। जाकी छोटी जगत को लागे, जाकी छोटी जिसकी छोटी, जिसकी जाति छोटी, जगत दुनिया कौ को लागे लगती है, जिसकी जाति दुनिया को छोटी लगती है, तापर तू ही धर है, तापर उस पर तू ही, तुम ही धर है, द्रवित हो जाते हो, दया करते हो और उसे छोटा नहीं रहने देते। हां जी बेटा, कौ को, कऊ को जिसकी जाति लोगों को छोटी लगती है, तुम उस पर दया करते हो और उसे छोटा नहीं रहने देते हो। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंद, कहते हैं कि मेरा गोविंद मेरा स्वामी छोटे को भी बड़ा कर देता है, नीचे को भी ऊंचा उठा देता है। काहू देना डर है, काहू मतलब किसी से, और ऐसा करते समय वह किसी से डरता नहीं है। नामदेव कबीर त्रिलोचन सधना और सैनु, इन सभी को छोटी जाति का माना जाता था, ये सब छोटी जाति के माने जाते थे। हमारे समाज में
ऊंच नीच जाति पाति का भेदभाव किया जाता। नाम देव कबीर त्रिलोचन सधना सैनु तरे, कहते हैं इन सब ने तुम्हारा नाम लिया, नाम देव कबीर त्रिलोचन सधना सैनु, इन सब ने तुम्हारा नाम लिया और तुमने उनका कल्याण कर दिया। कहे रविदास सुनो रे संतो, रविदास कहते हैं हे संतो सुनो, हरि जियो ते सब है सरह, हरि जियो हरि जी प्रभु जी ते से सब है सरह, सब कुछ संभव है, ईश्वर से ईश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है, ईश्वर कुछ भी कर सकता है, ऊंचे को नीचा नीचे को ऊंचा कुछ भी कर सकता है और ऐसा करते समय वह किसी से भी डरता नहीं है। कहते हैं ऐसा मेरा स्वामी जो समभाव रखता है, सबको समान दृष्टि से देखता है, जो किसी में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता है। क्लियर? एनी डाउट? कल इसका टेस्ट है, मैंने डाल दिया था ग्रुप में, आप लोगों ने देख लिया होगा, कल रैदास का टेस्ट है क्वेश्चन आंसर्स का, कल एक बार इसके हम क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, उससे और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। ठीक है? एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो? ओके, वी विल कंटिन्यू टुमारो विद द क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू बेटा।